मेरी आवाज आ रही है वकार साहब? वकार साहब के पास मुस्लिम महिलाओं की आवाज ही नहीं पहुंचती है, पता नहीं क्या परेशानी है। बार बार कोशिश की जाती है, इतना मॉडर्न चेहरा है असद ओवैसी, इस्लाम के नाम पर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं लेकिन मुस्लिम महिलाओं का साथ नहीं देते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपकी बात पूरी हो गई, मैं फहीम बेग साहब के पास जा रही हूँ। हाँ फहीम बेग साहब, आपके पास आज क्या तर्क है कंफ्यूज करने के लिए? नहीं नहीं आज तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन की चमक आपके चेहरे पे नजर आ रही है। हाँ सर रुकिए, मैं थोड़े दांत भी दिखा देती हूँ अपने आप को। हाँ बताइए जी रूबिका, जी रूबिका, देखिए ऐसा था कि शुरू में ये आर्गुमेंट लाया गया आज से 2 महीने पहले कि ये जो कानून बन रहा है ये तलाक की लीगैलिटी पे बन रहा है लेकिन वैलिडिटी पे नहीं बन रहा है। और हमारे कुछ मौलाना साहब ने कहा था कि भैया 7 साल की सजा दे दो लेकिन अगर ट्रिपल तलाक हो गई तो फिर हो गई। मेरा ये आर्गुमेंट था कि नो, ट्रिपल तलाक को गवर्नमेंट को अवॉइड करना पड़ेगा और मैं खुश हूं कि मेरी बात सरकार तक पहुंच गई और ट्रिपल तलाक वॉइड हो गई, पहली बात। दूसरी बात रूबिका, बहुत बड़ा पैनल है, 30 सेकंड और लूंगा उसके बाद बिल्कुल चुप रहूंगा। मेंटेनेंस पे बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है, मेंटेनेंस पे बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है बहुत, कांग्रेस भी मचा रही है, मौलाना भी मचा रहे हैं। मेरी एक बात का जवाब कांग्रेस दे दे या मौलाना दे दे, आज कानून आने से पहले जब 498A में 3 साल की सजा होती है, डाउरी एक्ट में 5 साल की सजा होती है, जब मुसलमान औरत अपने हस्बैंड के खिलाफ 498A का और डाउरी एक्ट का मुकदमा औरत लिखाती थी, हाँ? और आदमी जेल जाता था तो उसको मेंटेनेंस कौन देता था? जरा ये रशीदी से पूछ के बता दीजिए मुझको। मैं बता दूं, जरा पूछिए रशीदी से कौन देता था, पूछिए, मैं बता दूं आपको, बताइए कौन देता था। आप सुन लीजिए, जब वो 498 में जेल जाता था तो उसको मेंटेनेंस कौन देता था, बताइए। पूछा तो सुन तो लीजिए, बताइए क्या क्रिमिनल एक्ट में आता है 498? क्या डाउरी एक्ट क्रिमिनल एक्ट में आता है? बताइए और किसमें आता है? किसमें आता है और किसमें आता है आप बताइए ना, और किसमें आता है? क्रिमिनल में आता है, बताइए ना, क्रिमिनल में आता है, कैसे आता है बताइए, समझाइए मुझे। क्रिमिनल में आता है बोल तो रहा हूँ, समझाइए ना कैसे आता है। क्रिमिनल में तो आता है, कैसे आता है मुझे समझा। अरे 498 इज ऑफेंसेस इन मैरिज व्हिच इज क्रुएल्टी टुवर्ड्स द वाइफ, क्या बोल रहे हैं मुझसे? सारे सिविल मैटर है, कहां से क्रिमिनल उसको बना? सिविल मैटर है सारे, 498 है सिविल मैटर है, सिविल मैटर है सारे। कहां की वकालत की पढ़ाई कर रखी है मौलाना साहब? कहां की वकालत की पढ़ाई कर रखी? छोड़ के घर जाओ और जाके नमाज पढ़ो, जाओ आप जाओ वकालत करो, जाके कोर्ट में घर जाओ और नमाज पढ़ो, फुटपाथ के वकील पे जाके की बात कर रहे हो, फुटपाथ के वकील बनो, फुटपाथ के वकील बनो जाके, सिविल मैटर है ये, फुटपाथ के वकील बनो जाके, फुटपाथ के वकील बनो जाके, वकील कौन है? सिविल मैटर है, फुटपाथ के वकील बनो, फुटपाथ के वकील बनो जाके, इंसान 498 के वकील बनो जाके, क्रिमिनल, एक सेकंड, 498A, अरे 498 है, आईपीसी में है बेवकूफ मौलाना, जाहिल मौलाना, अरे जाहिल आदमी तुझे बोलने की तमीज नहीं है, जाहिल आदमी तुझे बोलने की तमीज नहीं है। नो नो नो, एक सेकंड, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, मत कीजिए ये सब, मुस्लिम महिलाओं की बात हमारे खिलाफ खड़े हुए मिलते हैं। इसी विवेक में, इसी चैनल पर आपने ये कहा था कि सजा नहीं होनी चाहिए, अगर वो जेल चला गया तो औरत का क्या होगा, दो घर बिगड़ जाएंगे, और इसी 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 चैनल पर आपने कहा था। आज जब हमने कहा कि सजा होनी चाहिए मौलाना, अरे सुनिए, आप हमारे मुखालिफ रहते हैं हर जगह, जब हमने कहा था कि जब हमने कहा था 7 साल होना चाहिए, आपने कहा नहीं होना चाहिए, आप जो है कन्वर्सेशन आपको बैठकर जो है उनको विचार करना चाहिए, लेकिन आप उस वक्त कह रहे थे कि नहीं, कोर्ट उसको जेल नहीं डालना चाहता, हुकूमत उसको जेल नहीं डालना चाहती, आप ही ने कहा था उसको, निकालिए डिबेट आप अपनी, आपको झूठ बोलना है, सिर्फ आपको सिर्फ झूठ बोलना है, शर्त ये है, बस फर्क इतना हुआ कि उस वक्त टोपी नहीं थी आपके सर पर, आज टोपी है, उस वक्त आपके सर पर टोपी नहीं थी, अब टोपी है आपके सर, आपने आरएसएस ने आपको भी टोपी पहनी थी और आपने पहनी जाहिल आदमी, आपने आरएसएस की टोपी पहन ली और पहनते हो आप, 498 है आईपीसी, अरे जाहिल आदमी आप आरएसएस की टोपी पहनते हो, वही बोलते हो,
की लड़ाई सुनी या नहीं आए? वही बोलते हो, जाहिल आईना गवार नबी फेल हो बिल्कुल। ओके सर, जाहिल जलील जितना भी आपको बोलना था बोल दिया, मुस्लिम महिलाओं की बात कर ले, अब हो गया। जितना पैसा डाला जाता है उतना बकवास करते हो बैठ के। इस तरीके के कौन नहीं जानता तुम्हारे चरित्र को? रशीदी साहब इस तरीके बच्चा बच्चा जानता है तुम्हें। सर सुन ली आप मेरी बात, सुनिए आप, इतना इतना जो आपको आक्रोश है मुस्लिम महिलाओं के लिए, आक्रोश क्यों नहीं आता मौलाना साहब आपका? तुम्हारे चरित्र को जानता है? अरे सर इधर बात कीजिए ना मुझसे, तो चैनल वाले तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। सर मुझसे बात कीजिए ना आप, मौलाना रशीदी साहब आप जब भी बैठते हो मौलाना की मुखालफत क्यों? मौलाना की मुखालफत करते हो? क्योंकि तुम्हारे चरित्र को अगर बताने पर आए लखनऊ में 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा। शक्ल नहीं दिखा पाओगे, शक्ल नहीं दिखा पाओगे। मैंने आपकी आवाज बंद कर दी है, आप इस तरीके से बहस को गुमराह करने की कोशिश करेंगे ये मैं होने नहीं दूंगी, ये नहीं होने दूंगी। सर मैं नहीं हूँ, ये जो आपका खून खोल रहा है ना, ये जो गुस्सा आ रहा है मुस्लिम महिलाओं के लिए गुस्सा आता ना, तो आज ये चैनल आपके साथ होता, ये चैनल आपके साथ एक प्रोग्राम ले आता। क्या परेशानी, क्या परेशानी थी, क्या परेशानी थी? शाहनवाज भाई सिर्फ ईमानदारी से इतना बता दीजिए, क्या पहले अदालत नहीं जाती थी औरत? क्या पहले कोर्ट में केस नहीं लड़े जाते थे दहेज को लेकर, डावरी को लेकर? क्या इस तरह के मामलात पहले कोर्ट नहीं जाते थे? आज आपने अगर कोर्ट को यह अधिकार दे दिया अदालत को, तो आपने कौन सा तीर मार दिया? दूसरी बात, ये सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए जो भी बिल आता है आज तक की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में ये रहा है, जो बिल आया है उसमें अपोजिशन से या जिस धर्म के बारे में वो बिल आया है उनके रिमार्क्स लिए गए हैं। ये आज पहला वाकया है हिंदुस्तान की तारीख में कि आप किसी को मानने को तैयार नहीं हो, ना आप अपोजिशन को मानने को तैयार हो, ना आप किसी मुस्लिम को मानने को तैयार हो, ना आप किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मानने को तैयार हो, ना आप वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को मानने को तैयार हो। ठीक है, आखिर वजह क्या है, इतनी हड़बड़ी क्यों है आपको? इतनी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सिर्फ ये मानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये मैं जानना चाहता हूँ, नहीं सबको सुनना चाहता हूँ, मैं शाहनवाज भाई से ये जानना चाहता हूँ, आप सिर्फ इतनी क्लियरिटी दे दीजिए कि जब 3 साल के लिए आप उसको जेल में डाल देंगे तो उसके गुजारे भत्ते की शक्ल अदालत के बाहर क्या होगी? सरकार उसकी क्या मदद कर रही है? अदालत को छोड़ दीजिए, अदालत का नंबर तो जब आता है जब उस आदमी के पास प्रॉपर्टी होगी, जब प्रॉपर्टी उस आदमी के पास नहीं है तो अदालत कहां से उसका गुजारा भत्ता दिलवाएगी? एक रक्षे वाले ने अगर तलाक दे दी तो क्या रक्षा बेचकर वो 3 साल का गुजारा भत्ता दे पाएगा? बताइए आप मुझे शाहनवाज भाई, क्यों देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं? क्यों देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं? बढ़ने दीजिए, गुमराह कौन कर रहा है? कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ कदम है शाहनवाज भाई। अगर कॉमन सिविल कोड आया तो आप भी नहीं बच पाएंगे शाहनवाज भाई, आप भी नहीं बच पाएंगे शाहनवाज भाई, आपकी भी शराख खत्म हो गई। आपको भी शाहनवाज कुमार बोला जाएगा शाहनवाज भाई। क्या प्रॉब्लम है अगर आप क्या सोच रहे हैं बीजेपी में रहकर नाई शासन आप भी नहीं बच पाएंगे? नाई शासन, नाई शासन कौन गुमराह? जी 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 नहीं, देखिए अगर कानून आना गुमराह करना कतई नहीं होता, ये एक लंबा संघर्ष रहा है औरतों का, एक क्रांतिकारी कदम रहा है, और अगर ये हमारी बात पार्लियामेंट तक पहुंची है तो ये कतई गुमराह करना नहीं हुआ। देखिए इन लोगों ने, हमारी मौलाना लॉबी ने औरतों को का इतना विरोध किया कि औरतें बिल्कुल विद्रोही हो गईं। विद्रोही होना उनका लाजमी था, क्यों? ये औरत कोई भी ख्वाब में आ जाए, मुँह से निकल जाए किसी के तलाक, ये तुरंत फतवा की स्लिप काट काट के दे रहे थे। फतवा की स्लिप काट के देते में इनको ये ख्याल नहीं आया उस औरत और बच्चे के तलाक का वाकया कोई आपके पास है? ख्वाब के तलाक का कोई वाकया है आपके पास? क्यों टीवी पर झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मोदी जी से आपने ले लिया? टीवी पर झूठ बोलने का सर्टिफिकेट आपने मोदी जी से ले लिया? शाहनवाज साहब से ले लिया? झूठ बोलते टीवी पर बैठकर आप लोग? ख्वाब में किस मौलाना ने तलाक को माना है? ख्वाब में किस मौलाना ने तलाक को माना है? क्यों झूठ बोलने के पक्ष में? अरे शर्म कीजिए, अगर मुस्लिम शनाख्त खत्म होगी तो नाई शासन, शाहनवाज भाई आप भी नहीं बच पाओगे, अंबर जैदी आप भी नहीं बच पाओगे। अगर मुस्लिम शनाख्त खत्म होगी तो कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ता है। आज मीनाक्षी लेखी ने, आज मीनाक्षी लेखी ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया है वो इतना अफसोसनाक है, जिसको आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा देंगे। मीनाक्षी लेखी का ये बयान है
कि मुसलमान जब भी तलाक देता है इनिशियल ट्रिपल तलाक देता है, क्या ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर? ऐसा नहीं, इतना बड़ा झूठ पार्लियामेंट में मीनाक्षी लेखी ने बोला है, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ कि हर मुसलमान तीन तलाक देता है, हर मुसलमान इनिशियल ट्रिपल तलाक देता है, झूठ मत बोलिए। हो गया रशीदी साहब, हो गया, एक सेकंड अंबर जैदी। देखिए जो सजा की बात हो रही है वो अप टू मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स है, कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा हो सकती है, वो भी हो सकता है उसको मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद अगले दिन उसको जमानत मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसको 3 साल तक ही जेल में रहना पड़ेगा, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 1 दिन बाद आ जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ जेल में जाएगी तो सब कुछ सोच समझ के जाएगी ना, कि मुझे आदमी के खिलाफ जाना है नहीं जाना, आगे के बारे में तो फिर सोचने। एग्जैक्टली, अगर मुझे परेशान करता है, धमकाता है, डराता है, अब इसको सबक सिखाना है। थर्ड पार्टी बहुत क्लियर हो गया है। थर्ड पार्टी